गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन, स्वतंत्रता दिवस व संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के साथ कोविड-19 की समीक्षा, कहा कानून व्यवस्था के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को रखे बेहतर, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के शिलान्यास के मद्देनजर एडीजी जोन ने किया सोनौली बॉर्डर का निरीक्षण, नेपाल के अधिकारियों के साथ की बैठक, बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। पिपराई थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय मासूम बलराम गुप्ता के अपहरण और हत्या में शामिल 10,000 के दो इनामिया सहित 4 आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, स्कूटी और स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल किया बरामद, एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने किया खुलासा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में फरेंदा तहसील सभागार में संपन्न हुई स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक, कहा कोरोना के इलाज में लापरवाही क्षम्य नहीं। गंभीर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जिलाधिकारी ने किया पेड कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन, लोगों से की अपील, कहा कोरोना की लड़ाई में दे जिला प्रशासन का साथ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में डाली जाएगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर की पावन मिट्टी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मंदिर से मिट्टी लेकर अयोध्या हुए रवाना। कोतवाली थाने पर एसएसपी ने शेरनी दस्ता को पढ़ाया कानून व्यवस्था का पाठ, कहा हर परिस्थिति से निपटने के लिए रहे तैयार। मंडलायुक्त ने महाराजगंज के राप्ती नदी व पौह नाले की जलस्तर का लिया जायजा, कहा बंधों पर रखे निगरानी, न होने पाए लापरवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उपायुक्त उद्योग ने कहा टेराकोटा के बाद अब रेडीमेड गारमेंट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट के रूप में किया जाएगा शामिल, बढ़ेगा रोजगार का दायरा। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक, त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। बकरीद और रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए एसएसपी ने बुधवार को कोतवाली थाने का किया औचक निरीक्षण, कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधुओं की बैठक, विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए महानगर के अंदर नगर निगम की 11 गाड़ियों से किया जा रहा है सैनिटाइजेशन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने आम जनमानस से की अपील, कहा बेवजह अपने घरों से ना निकले बाहर, कोरोना को हराने में करे मदद। गोरखपुर जिले में बुधवार को नए 133 कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1930, इनमें 46 कोरोना संक्रमितों की हो चुकी है मौत, जबकि 862 लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। जिले में अभी भी एक्टिव है 1022 कोरोना पॉजिटिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। शपा के पार्षदों ने पूर्व महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन, आगामी बकरीद और रक्षाबंधन त्योहारों के पर्व पर सभी वार्डों में समुचित साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, छिड़काव और ट्रॉली लगाने की मांग। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के मद्देनजर गोरखनाथ मंदिर में 3 से 5 अगस्त तक किया जाएगा अखंड रामायण पाठ, होगा दीपोत्सव, मंदिर प्रबंधन ने दी जानकारी। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने महानगर में चारों थाना क्षेत्रों में बुधवार को लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा, लोगों से की अपील, घर में रहकर प्रशासन का करें सहयोग। लगातार हो रही बरसात से जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम की टीम पूरी तरह है मुस्तैद, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा पूर्व की भांति इस वर्ष जल निकासी के लिए की गई है अतिरिक्त व्यवस्था। और तिवारीपुर थाने पर पुलिसकर्मियों ने किया दंगा नियंत्रण का रिहर्सल, अभ्यास के दौरान एक दूसरे पर चलाई जमकर लाठियां।